Question number 29. A person writes a letter to four of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to four different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that chain is not broken and that it cost 50 paise to mail one letter, find the amount spent on the postage when 8th set of लेटर इज मेल्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन अपने चार दोस्तों को लेटर लिखता है और वो उनसे कहता है कि आप फोर दूसरे पर्सन को आप लेटर भेजें। मतलब एक फ्रेंड दोबारा फोर पर्सन को फोर लेटर्स भेजेगा। इसी प्रकार से चेन चलती रहती है और कहा गया बच्चों कि एट्थ सेट में जो लेटर मेल किए गए हैं उसमें कुल कितनी कॉस्ट आएगी, जबकि वन लेटर को मेल करने के 50 पैसे चार्ज होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन समझ पाए आप, है ना? तो ये कुछ क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे होगा, फर्स्ट पर्सन ने फोर लेटर्स भेजे, अब ये यहां फोर पर्सन जो है बच्चों वो फोर फोर लेटर्स भेजेंगे तो 16, तो थर्ड सेट हो जाएगा 64। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, जिसकी फर्स्ट टर्म फोर जबकि कॉमन रेशो भी आपके पास फोर होगा। अब क्योंकि हमें एट्थ सेट में पता करना है कि एट सेट तक कुल कितने लेटर सेंड किए जा चुके हैं, तो एन इक्वल टू एट लीजिए। अब हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इस फॉर्मूले से, एस एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर की वैल्यू ए और एन की वैल्यू पुट कर लीजिए यहां, तो फोर फोर टू दी पावर एट माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन, फोर की पावर एट बच्चों ये हो जाएगा 65536, माइनस वन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 65535, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21845। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 87380 लीटर। मतलब एट सेट तक इतने लीटर सेंड किए जा चुके हैं, कितने बच्चों 87380। इन कहा गया है कि वन लीटर को मेल करने के लिए 50 पैसे चार्ज किया जाता है, तो इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ पोस्टेज हो जाएगा बच्चों 87380 में 0.5, क्योंकि 50 पैसे थे उसे रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 43690 रुपीज। ओके।